हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मायद्विजा। सीजेरियन के बाद या सी सेक्शन के बाद बेड पे से उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं और खड़े कैसे रहते हैं, ये क्वेश्चन हर उस लड़की को होता है जिसका सीजेरियन हो चुका है। ये जो हम लोग आज पोजीशन डिस्कस करेंगे, ये आपको कितने दिनों तक ध्यान में रखना है। आइडियल हम लोग बोलते हैं फर्स्ट 40 डेज झटके से उठना, झटके से खड़े रहना, सडनली स्टमक में क्रैम्पिंग दिला सकता है, स्टिचेस के ऊपर प्रेशर ला सकता है और कई बार मदर्स को अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। इसीलिए सारे पोजीशंस आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं, ये साइंटिफिकली सही तरीका है किसी भी इंसान को बेड पे से उठने के लिए। बट हम आपको वो सारे छोटे छोटे टिप्स बताएंगे जिससे आप लोग को पता चलेगा एग्जैक्टली बॉडी के कौन से पार्ट पे अगर आप लोग प्रेशर देके उठते हो, खड़े होते हो, तो आपका उठना, बैठना, फीड करवाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएगी। चलिए एक्चुअल वीडियो शुरू करते हैं। क्या सी सेक्शन वाली मदर ने उठ के बैठना चाहिए? यस। हाउ द सीक्वेंस गोज, एक बार सिजेरियन होने के बाद आइडियली जब इनिशियल एनेस्थेशिया या भूल उतर जाती है, उसके बाद मदर को कहा जाता है यू शुड स्टार्ट टर्निंग, राइट लेफ्ट टर्निंग आपको शुरू करना चाहिए। तो वो आप लोग कैसे करोगे? यूजुअली सीजर के बाद मदर सोई हुई रहती है। याद रखो, सिर के नीचे पिलो नहीं लेना है। आइडियली सीजर के बाद नई मदर सोए हुए पोजीशन में रहती है, बाथरूम की जगह पे नली लगाया हुआ है। सिर के नीचे पिलो आपको कंपलसरी 10 दिन तक नहीं लेना है, बिकॉज आपके स्पाइन में इंजेक्शन दिया हुआ है। अगर सिर को उठाया हुआ है तो वो आपको हेडेक काफ़ी दिनों तक रह सकता है, इसलिए पिलो यूज़ करना ये स्ट्रिक्ट नोनो है। अगर आपके पाँव में स्वेलिंग है या सूजन है तो फिर आप लोग पाँव के नीचे पिलो रख सकते हो। सो सीजर के बाद फर्स्ट मोमेंट इज दिस, धीरे धीरे पाँव को फोल्ड करो, सीधा करो, दूसरे पाँव को फोल्ड करो, सीधा करो। तो आपको जितना पॉसिबल हो दोनों पाँव को साथ में फोल्ड और सीधा, ये आप लोग शुरू कर सकते हो। उसके बाद आपको एंकल रोटेशंस, ये एक चीज़ शुरू कर देना है। फिर एक बार आपको लगे कि नहीं अभी मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, थोड़ा सा मैं टर्न हो सकती हूँ, तो आपको टर्न होना है। टर्न होते वक्त आपका एक हाथ नेवल के ऊपर होना चाहिए, स्टिचेस नीचे की तरफ है, तो आप नेवल की तरफ हाथ रख के एल्बो प्रेस करना है। सो राइट हैंड का एल्बो प्रेस करियो अगर आपको राइट में टर्न होना है, लेफ्ट हील प्रेस करना है और प्रेशर लेफ्ट हील पर डाल के एल्बो प्रेस करके पेट को पकड़ के यू हैव टू जेंटली टर्न। दिस इज द बेस्ट वे, आपको स्टिचेस में कम दर्द होगा। याद रखो ऑल ऑफ यू, कोर्सेट ट्विस्टिंग ये अलाउड नहीं है कि आप सीधे बैठे हुए हो, आपने यहां से ट्विस्ट किया और कोई चीज उठाने की कोशिश की तो आपको स्टिचेस में दर्द होगा, तो वो आपको अवॉइड करना है। इसीलिए मैंने बोला एल्बो प्रेस, स्टमक होल्ड, हील। तो हील जैसे प्रेस होगा, पाव और बॉडी साथ में हिलेंगे, ये परफेक्ट वे है। ओके, अब जानते हैं उठ के बैठना कभी है। यूजुअली आपको सीजेरियन के बाद इनिशियल कुछ डेज में बेड को ही रेज किया जाता है, तो आपको जितना भी उठाएंगे उतना बेड रेज हो जाता है और फिर आप बच्चे को फीड कराते हो। 1.5 डे के बाद यूजुअली वो समय आता है जहाँ पे आप खुद होके उठोगे। ओके, तो जानते हैं खुद होके आप कैसे उठ सकते हो। सो आप सोए हुए हो, सबसे फर्स्ट स्टेप खुद होके उठने के लिए पेट को पकड़ा, एल्बो प्रेस, शोल्डर प्रेस, लेफ्ट हील प्रेस, राइट हील, एंड देन इस पाव पे मैं प्रेशर दे रही हूँ, एंड एल्बो प्रेस एंड टर्न। फिर खड़े रहने के लिए आप बेड की एज को पकड़ सकते हो, आपके साथ अगर कोई पार्टनर है, आपका हस्बैंड है, मदर है, मदर इन लॉ है, तो उनका हाथ आप पकड़ सकते हो, एल्बो को प्रेस करना है, उनके हाथ को पकड़ना है और फिर आपको खड़े रहना है। जैसे मेरे यहाँ पे अभी कोई है नहीं तो मैं ये हाथ बेड पे प्रेस कर रही हूँ, एल्बो प्रेस कर रही हूँ। याद रखो मैंने एल्बो बहुत टाइटली बेड पे प्रेस किया हुआ, ये हाथ का प्रेशर उठ गए, फिर पेट को पकड़ो और फिर बैठ गए। ये बहुत जरूरी है कि आप इसी जेंटल वे में उठ के बैठो जब भी आपको उठ के बैठना है। जब भी आपको हेल्प चाहिए तभी हेल्प मांगो, आ ओ
ये जितना कम करोगे उतना आपके लिए और आपकी बॉडी और साइकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा। और ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अभी बैठने के बाद आपको कौन सी चीजों का ख्याल, ट्विस्ट करके बच्चे को उठाना तो ये सीजर के स्टिचेस को तकलीफ देता है, तो आपको टर्न होना है और फिर बच्चे को लेना। अगर कोई और साथ में है तो आप बैठ जाओ, वो बच्चे को उठाएंगे और फिर आपके पास देंगे। आपका सिजेरियन सेक्शन अगर है तो आप सिर्फ उठ के बैठ रहे हो और आपको खड़े रहना है तो यस, आप आगे के स्टेप्स फॉलो करोगे। अगर आप उठ के बैठे हुए हो और आपको बच्चे को फीड करवाना है तो आपको ध्यान में रखना है आप ऐसे झुक के फीड नहीं कराओगे। आपको धीरे से दोनों हाथों का प्रेशर देके पीछे सरकना है, बैक आपकी दीवार को लगी हुई होनी चाहिए। फिर आप लोग धीरे धीरे एक हाथ से पेट को पकड़ के फोल्ड करोगे, बैक दीवार से लगी हुई है, आप यहाँ पे पिलो रखोगे और फिर आप बच्चे को फीड कराओगे। याद रखो, झुक के अगर फीड कराओगे तो स्टिचेस पे प्रेशर आएगा, तो बच्चे को आपको पिलो से इतना रेस कराना है कि आप बच्चे को बहुत अच्छे से फीड करा सको। जैसे कि हम लोगों ने वीडियो कर चुके हैं सिजेरियन के बाद आप कौन से पोजिशन में बच्चे को फीड करा सकते हो, वो वीडियो आप लोग एक बार देख लेना। एक बार आप उठ के खड़े हो गए, फिर आपको बेस्ट पोजीशन इस चेयर पर बैठ के फुटबॉल पोजीशन में फीड करा, जो आपको उस वीडियो में बहुत क्लियरली पता चल जाएगा एग्जैक्टली करना कैसे है। ओके, तो ध्यान रखना है बैक सपोर्टेड होना चाहिए, आगे झुक के फीड नहीं करना है। जब भी आपको आगे पीछे होना है प्लीज ऐसे ऐसे मूव मत हो, इट विल क्रिएट प्रेशर। तो आपको हाथ का यूज करके फिर धीरे से बॉडी को पीछे मूव करना है। अब जानते हैं सिजेरियन सेक्शन के बाद आप उठ के बैठ तो गए, अभी खड़े कैसे रहना है। अब जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एग्जैक्टली खड़े कभी रहना है। आइडियली हम लोग बोलते हैं बाथरूम की जगह से नली या कैथेटर जैसे ही निकल जाए वैसे सिजेरियन के बाद आपको खड़े रह के वॉक करते हुए वॉशरूम तक जाना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी ये वॉकिंग का मूवमेंट शुरू करोगे उतना आप लोगों का रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट होगा। श्रेया, हम लोगों को कभी कभी उठ के खड़े रह के वॉकिंग करना जरूरी है। सिजेरियन के बाद आप लोग कुछ भी अगर खाते हो तो आपको खाने के बाद कमरे में एक 5 to 10 स्टेप्स, आइडियल हम लोग बोलते हैं 2 to 5 मिनट्स घड़ी लगा के जेंटल वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। वॉकिंग कैसे करना है, इट शुड बी एब्सोल्युटली स्लो एंड यस, आपका बैक और स्टमक सपोर्टेड होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं आपको पेट बांधना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीजर के बाद आप लोग 3rd to 5th डे के बीच में पेट बांध सकते हो, आइडियली कॉटन का बेल्ट यूज करो। मायद्विजा का कॉटन का बेल्ट आपको मायद्विजा के वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप लोग साड़ी या दुपट्टे से भी पेट बांध सकते हो। पेट कैसे बांधना है उसका वीडियो मैं यहाँ पर लिंक करी हूँ, वो आप लोग एक बार देख लेना। पेट अगर बांधा हुआ है तो आप जब भी वॉकिंग करते हो तभी पेट आपके स्टिचेस पे लटकेगा नहीं एंड यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। तो वॉकिंग के वक्त पेट बांध के रखना जरूरी है, बहुत टाइट स्क्वीज करके पेट नहीं बांधना है, एटलीस्ट पहले 10 दिन तक। ओके, अब हम लोग बैठ गए, अब जानते हैं खड़े कैसे रहना है। खड़े रहने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मैं उठ के बैठ गई हूँ, अब आपको दोनों हाथों के प्रेशर से कोशिश करना है कि आप बेड के एज पे आ जाओ। मैंने दोनों पाँव जमीन पे रखे हुए हैं, मैं हील जमीन पे प्रेस कर रही हूँ। याद रखो, हील जमीन पे प्रेस करना है, हाथ प्रेस करना है और मैं धीरे से सरकते हुए बेड के एज तक आ गई हूँ। आप ऐसे भी सरक सकते हो जैसे मैंने स्लाइड किया, आप धीरे धीरे आगे भी आ सकते हो। अगर आपको लगता है स्टिचेस पे प्रेशर है तो आप एक हाथ से पेट को पकड़ के हील को प्रेशर दे के फिर एज पे आ सकते हो। अभी आप लोग एज पे आ गए, अब आपको स्लाइटली आगे झुकना है ताकि घुटने की लाइन में आपका चिन आ जाए और फिर आपको दोनों हील को प्रेस करना है, हाथ को प्रेस करना है और फिर उठ के बैठ। तो आपने हील को प्रेस किया, हाथों को प्रेस किया और फिर आप लोग धीरे से उठ के खड़े हो गए। एक बार आप लोग खड़े हो गए, सेटल योरसेल्फ, प्लीज बॉडी का प्रेशर एक साइड में स्लांटिंग टिल्टेड मत खड़े रहो, दोनों पाँव पे बैलेंस वेट बैलेंस प्रेशर रख के खड़े रहो। पेट को सपोर्ट के लिए बांधो ताकि पेट जो सैग्ड है उसका प्रेशर स्टिचेस पे नहीं आए और बहुत कंफर्टेबली धीरे धीरे स्लो पेस पे वॉकिंग करो और आपका रिकवरी का स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट करो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। आई एम श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। मेरा पैशन है कि प्रेगनेंसी में और पोस्ट डिलीवरी में क्या मैं मदर्स का जर्नी और थोड़ा सा पीसफुल अगर कर सकूँ तो मेरा पैशन अचीव हो जाता है। प्लीज़ 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 उस सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना जिनके लाइफ में आप थोड़ा और पीस ऐड करना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।